रोमन रेंस के मैच में किस सुपरस्टार का इंटरफेरेंस होने वाला है, उसके बाद क्या रोमन रेंस अपना टाइटल ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ बचा पाएंगे, क्या शेमस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीत के ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन पाएंगे, कौन कौन से मैचेस यहां दिखेंगे और क्या सरप्राइज और शॉकिंग दिखने वाला है क्लैश एट द कैसल में, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। पसंद आए ना तो लाइक करें बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब WWE ने UK में होने वाले पे पर व्यू क्लैश एट दी कैसल के लिए 6 मैचेस अनाउंस करे हुए हैं। वहीं इंडिया में ये पे पर व्यू 3 सितंबर 2022 को रात 10:30 बजे से देखा जा सकेगा, मतलब कि आज रात 10:30 बजे से देखा जा सकेगा। मैचेस और उनके रिजल्ट्स के बारे में मैं शॉर्ट में बात करूंगा, डिटेल्स में बात करेंगे रिटर्न शॉकिंग और सरप्राइज की जो दिख सकते हैं इन मैचेस में। फर्स्ट मैच हमें एज रे मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर डैमियन प्रीस्ट के बीच दिखेगा। रिंग साइड डोमिनिक और रिहा रिप्ले भी मौजूद होंगी। अब एज की जजमेंट डे के साथ और रे मिस्टीरियो के साथ भी जजमेंट डे के काफ़ी टाइम से फ्यूड दिखाई दे रही है। वहीं एज पे तो अटैक करके इस ग्रुप ने उनको इस ग्रुप से निकाल दिया था, हालांकि वो लीडर के तौर पर दिखाई दे रहे थे। अब बात आती है जीत की, तो हो सकता है कि जीत यहाँ एज और रे मिस्टीरियो की हो, बट ये रिजल्ट पलट सकता है। रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि डोमिनिक इस शो में अपने फादर और एज पर हील टर्न करते दिखाई दे सकते हैं और वो ऐसा करके जजमेंट डे में शामिल हो जाएंगे। इससे रे मिस्टीरियो और एज की हार होती दिखाई दे सकती है। वाकई ऐसा होता है तो ये रे मिस्टीरियो के लिए काफी शॉकिंग होगा और कुछ ऐसा निकल कर आ सकता है कि जो दिखाया जाए कि बैक में डोमिनिक इस ग्रुप में पहले से शामिल हो रखे थे और वो कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे थे अपने फादर और एज के खिलाफ। इसके बाद हमें शेमस वर्सेस गंथर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेके मैच दिखेगा। नो डाउट दोनों के बीच जबरदस्त मैच दिखने वाला है, हालांकि इस पेपर व्यू से पहले दोनों के बीच किसी भी तरह का ब्रॉल देखने को नहीं मिला है। अब एक शेर है तो एक सवा शेर। शेमस को इस मैच में हॉलैंड और बुच की एडवांटेज होगी, वहीं गंथर को काइजर की एडवांटेज होगी। अब नंबर्स गेम में शेमस ही आगे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर शेमस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हैं तो वो अल्टीमेट ग्रैंड स्लैम चैंपियन की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। वैसे जीत यहाँ शेमस की होती दिखाई दे रही है। वहीं इस मैच में सरप्राइज और रिटर्न तो होने वाला नहीं है। हाँ, टाइटल चेंज होता है तो ये फैंस के लिए वाकई शॉकिंग होगा और शेमस के लिए अच्छा होगा और आने वाले टाइम में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि गंथर प्रोमो वगैरह में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। इसके बाद हमें एलेक्सा ब्लेस, बियांका ब्लेयर, आस्का वर्सेस बेले, डकोटा काई और आयो स्काई के बीच 6 वुमेन टैग टीम मैच दिखेगा। अब ये कोई टाइटल मैच नहीं है, इन सभी वुमेन्स के बीच डिसेंट सा मैच दिखने को मिलने वाला है क्लैश एट दी कैसल में। अब WWE में एक्चुअल में बेले और बियांका ब्लेयर की फ्यूड को बिल्ड करने के लिए ही इस मैच को करवा रही है। आने वाले टाइम में इन दोनों के बीच हमें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को लेकर फ्यूड दिखाई देगी। अब हो सकता है कि जीत यहाँ पे एलेक्सा ब्लेस, बियांका ब्लेयर और आस्का की हो जाए, नहीं तो बेले बियांका ब्लेयर को पिन करती हुई दिखाई दे सकती हैं और अपनी टीम के लिए जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे सकती हैं। वापसी के बाद उनके लिए ये काफी बड़ी जीत होगी बियांका ब्लेयर पर, क्योंकि वो एक रॉ वुमेन्स चैंपियन है। हाँ, वो वुमेन्स चैंपियन है, बट WWE ऐसा करके इन दोनों के बीच तगड़ी तरह से फ्यूड बिल्ड करेगी फ्यूचर के लिए। इसके बाद हमें लिव मॉर्गन वर्सेस शाइना बेसलर के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। इस मैच में शाइना बेसलर काफ़ी डोमिनेट करने वाली हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मॉर्गन काफ़ी सॉफ्ट दिखाई देंगी इस मैच में। वहीं बात करूं विनर की, तो जीत यहाँ मॉर्गन की होगी। वो काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ पर टाइटल रिटेन कर पाएंगी शाइना बेसलर के खिलाफ। वहीं इस मैच में सरप्राइज के तौर पर रोंडा रोजी दिखाई दे सकती हैं, वो आके मॉर्गन पर अटैक करती हुई दिखाई दे सकती हैं। ऐसा करके WWE आने वाले टाइम के लिए फिर से रोंडा रोजी और मॉर्गन के बीच रीमैच सेट कर पाएगी। वैसे भी रोंडा रोजी और मॉर्गन के बीच मैच कंट्रोवर्शियल फिनिश के साथ एंड हुआ था, तो देखना ये होगा कि रोंडा रोजी यहां दिखती है नहीं। वैसे भी हाल ही के स्मैकडाउन के एपिसोड की बात करें तो रोंडा रोजी ने एक लेटर दिखाया, वो भी उन्हें बताया कि ऑफिशियल WWE हेडक्वार्टर से आया है, जिसने सस्पेंशन उन पे से हटा दिया है। अब ये कितना सही है कितना नहीं वो आने वाला टाइम बताएगा। और इसी बीच उन्होंने स्मैकडाउन पर एडम पियर्स पर भी बुरी तरीके से अटैक करा था, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज रोंडा रोजी फेस करेंगी आने वाले टाइम में। इसके बाद हमें रिडल वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच सिंगल मैच दिखेगा। ये SPPV का वन ऑफ दी बेस्ट में साबित हो सकता है। वहीं फ्यूड इन दोनों के बीच काफ़ी सही दिखी है। वहीं रिसेंट में इनके बीच जो क्रॉस क्वेश्चन आंसर वाला सेशन हुआ था, उसमें दोनों काफ़ी पर्सनल भी हो गए थे। दोनों के बीच ब्रॉल भी अच्छा देखने को मिला है, जिसने इस फ्यूड को ज़बरदस्त बना दिया है। तो मैच काफ़ी हार्ड हिटिंग दिखने वाला है इन दोनों सुपरस्टार के बीच। अब सवाल ये है कि जीत यहाँ किसकी होगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ सरप्राइज के तौर पर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होता हुआ दिखाई दे सकता है। वो आके सेथ रॉलिंस की हार की वजह सकते हैं और रिडल को वो जीतने में हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो फिर जीत यहां सेथ रॉलिंस की होगी। वो कुछ ना कुछ चीटिंग करके रिडल को इस मैच में हराते हुए दिखाई दे सकते हैं।
नेक्स्ट मैच हमें रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। ये शो का मेन इवेंट मैच होने वाला है, जो कि फाड़ू एक्शन पैक और धमाकेदार मैच होने वाला है, जिसे देखने के लिए तो फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब फैंस इस मैच को देखने से ज्यादा ये भी सोच कर एक्साइटेड हैं कि जीतेगा यहाँ पे कौन सा सुपरस्टार, मतलब कि जीतने यहाँ पे कौन वाला है। ये सबसे बड़ा सवाल फैंस के दिमाग में बना हुआ है। रूमर्स बैटिंग ओड्स दोनों के फेवर में दिखाई दे रहे हैं, कोई रोमन रेंज को तो कोई ड्रू मैकइंटायर को विनर बता रहा है। क्या होगा क्या नहीं वो तो क्लैश एट द कैसल में पता चलेगा। अच्छा आप बताओ, इन दोनों सुपरस्टार में से इस मैच में किसकी जीत होगी ये मैं आप पे छोड़ता हूं। अब इस मैच में उसोस सैमी ज़ेन का दखल देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि पॉल हेमन यहां किसी सरप्राइज के साथ बड़े ट्विस्ट के साथ वापसी करते हुए दिखाई दें। वहीं ये इस PPV का ऐसा मैच है जहां बड़ा सरप्राइज दिख सकता है। रूमर जैसे आ रहे हैं कि फिंड इस मैच में इंटरफेरेंस करने वाले हैं और वो आके रोमन रेंस पर अटैक करेंगे। ऐसा होगा तो ये वाकई शॉकिंग होगा और जानदार होगा फैंस के लिए, क्योंकि फिंड को WWE रिलीज कर चुकी है और जब वो वापसी करेंगे तो माहौल ही कुछ और होगा। अब WWE UK के इस इवेंट में केवल 6 मैचेस के साथ उतर रही है, जो कि काफ़ी कम है, तो कहीं ना कहीं WWE ने इस पेपर व्यू के लिए कुछ सरप्राइज शॉकिंग रिटर्न्स प्लान्स किए हुए हैं। अच्छी बात यह भी है कि मैचेस कम है तो मैचेस को प्रॉपर टाइम मिलेगा। वहीं कैरियन क्रॉस भी इस इवेंट में दिखाई दे सकते हैं और ड्रू मैकइंटायर की हार का कारण बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्मैकडाउन में ड्रू मैकइंटायर को उनका गुस्सा फेस करने के लिए वार्निंग भी दी थी। अब देखते हैं शो में क्या दिखता है क्या नहीं। उम्मीद है शो अच्छा होगा, फैंस को पसंद आएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।